इससे दो दिन पहले मालेगांव शहर महानगर का आयुक्त का चार्ज लिया है मैंने। मैं तमाम शहरवासियों को रमजान के शुभ पर्व का मैं शुभकामना देता हूँ। मेरा प्राथमिकता ये है, जो कोरोना का बड़ा महामारी का संकट ये जग पे पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में अपने स्टेट में अपने शहर पे आया है, मैं जितने भी हमारे महापौर मैडम पदाधिकारी मंत्री महोदय सबका साथ लेके मैं ये महामारी पे हम कैसे सुविधा ज़्यादा अच्छी दे सकते, बेटर सुविधा कैसे दे सकते ये पेशेंट्स को, ये हमारे प्राथमिकता है। सर साफ सफाई जो है हाँ, उसके लिए वो ये सच बात है, साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान देना अभी ज़रूरी है। वैसे हमने कल ही मीटिंग लिया है सब कंसर्न वो जो साफ सफाई के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका, और मैं सुबह भी एक दो हाजिरी पे गया था जहाँ पर लोगों ने वही बोला कि सर जो दवाई छिड़कने का काम है वो थोड़ा फिर से चालू करो, साफ सफाई होना चाहिए, तो वो काम हम हाथ सर। कोविड हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल है कि गैस सिलेंडर जो है उसमें कमी है, इस ताल्लुक से क्या कहना है? नहीं नहीं, ये अफरा तफरी ये बोल नहीं सकते, ये पूरा सबको मालूम है जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो प्लांट से ही सबको कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, उसमें अफरा तफरी का कोई नहीं, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट का पुलिस डिपार्टमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर कमांड है, तो हम वहाँ कोई भी नहीं कर सकता, सोचा तो भी नहीं कर सकता है, लेकिन वहीं से सप्लाई कम हो रहा है, इसलिए हमने पूरा प्लान स्क्रूटिनाइज करके कलेक्टर साहब ने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है उसके तहत हम सब कार्रवाई कर रहे हैं। हम सभी हमारे वैद्यकीय अधिकारी मैडम यहाँ बैठे, हम कल रात को मंत्री महोदय खुद हम सब प्लांट के वहाँ थे, सुबह भी 5 बजे उठ के हम वहाँ पर गए कि जो सप्लाई हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए।